हे गाइस, वेलकम टू जैकफ्रूट। तो फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने नॉमेनक्लेचर सीखा, हमने ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नेमिंग करना सीखा जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसमें हमने अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग की। इस मॉड्यूल में हम आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमरिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम आपस में आइसोमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि आइसोमर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आइसोमरिज्म को सबसे पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, द फर्स्ट कैटेगरी बीइंग चेन आइसोमरिज्म, द नेक्स्ट कैटेगरी इज पोजिशन आइसोमरिज्म एंड द लास्ट कैटेगरी इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। ओके, चेन आइसोमरिज्म, पोजिशन आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म। पोजिशन आइसोमरिज्म का एक स्पेशल टाइप होता है विच इज कॉल्ड एज मेटामरिज्म, और फंक्शनल आइसोमरिज्म का भी एक स्पेशल टाइप होता है विच इज कॉल्ड एज टॉटोमरिज्म। ओके, देन लेट्स गो बैक टू स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, द फर्स्ट वन बीइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, द सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड अनदर वन इज कन्फॉर्मर्स। ओके, सो इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल में जो हमको आइसोमरिज्म डिस्कस करना है वो सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमरिज्म, पोजिशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म है। हमें मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म को भी डिस्कस नहीं करना। ये तीन टाइप के आइसोमरिज्म हैं जो हमें क्लास टेंथ में स्टडी करना होता है। ओके, सो आगे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म इज डिफाइंड एज कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जो उनके कार्बन का स्केलेटन है उस स्केलेटन में डिफरेंस होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास C4H10 मॉलिक्यूल है तो उसको मैं कितने तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, CH3, CH2, CH2, CH3, ये इसका स्ट्रेट चेन वाला वर्जन हो गया या आइसोमर हो गया। देन अगर मैं चेन को तीन कार्बन की कर दूं तो मैं इसका एक ब्रांच बना सकता हूं। नाउ दिस आल्सो इज C4H10। तो ये दोनों आइसोमर हैं, ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं क्योंकि इनके कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस है। ओके, so this is C4H10. now let's try our hands on C5H12 mein CH2 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 and CH3, ye straight chain isomer ban gaya. agar main carbon chain ko 4 carbon ka kar do to hame ye isomer obtain ho jayega. agar main chain ko तीन कार्बन में कन्वर्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मान लीजिए मेरे पास C6H14 का मॉलिक्यूल है तो वो किस तरीके से दिखेगा। ओके, C6H14 मॉलिक्यूल, तो पहले मैं 6 कार्बन वाली चेन ड्रॉ कर लूं, CH3 CH2 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 एंड
सी एच थ्री, तो ये 6 कार्बन, 5 कार्बन की चेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री। अब मैं इस मिथाइल ग्रुप को बीच वाले कार्बन पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, सो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच टू। ओके, अब मैं कार्बन को चार का चेन को कार चार कार्बन की कर देता हूँ, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। इसका एक और आइसोमर बनाया जा सकता है जिसमें दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये चेन आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म इज डिफाइंड एज पोजीशन आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो जाएगी, जो स्केलेटन है वो इस बार चेंज नहीं होने वाला। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। लेट्स से हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है, इसका जो पोजीशन आइसोमर है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। जो OH फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन फर्स्ट से चेंज होके सेकंड पे आ गई। सिमिलरली मान लीजिए अगर हमारे पास एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है किसी ऐसे मॉलिक्यूल में, अगर मैं उस कीटोन को बीच वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दूं, सो दिस इज आल्सो एन आइसोमर। अगर मेरे पास कार्बन चेन में लेट्स से डबल बॉन्ड पहले पे प्रेजेंट है और इस डबल बॉन्ड को मैं चेंज करके इसकी पोजीशन सेकंड पे शिफ्ट कर दूं, सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स विद ईच अदर, यानी हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। सो इट इज डिफाइंड एज कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एस अब ये उन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हो सकता है जिनके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अल्कोहल एंड ईथर, इन दोनों के लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज सी एन एच टू एन प्लस टू ओ। तो अगर मान लीजिए मेरे पास सी टू एच फाइव ओ एच फॉर्मूला है, तो दिस इज रिटन एज सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, सो दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। ओके, सिमिलरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज सी एन एच टू एन ओ। तो अगर मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड ड्रॉ किया सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये कीटोन ड्रॉ हो गया, दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज हाउ फंक्शनल आइसोमर्स आर रिटन। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। इन दोनों का जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है दैट इज सी एन एच टू एन ओ टू सी एन एच टू एन ओ टू। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए हमारे पास है सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच,
सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इसी फॉर्मूले का मैं एस्टर लिखूं तो वो सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री. अब इन दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डिफरेंट. दिस हैज एस्टर एज फंक्शनल ग्रुप एंड दिस हैज कार्बोक्सिलिक एसिड. So that's it for this module. See you in the next video. Thank you.